वंदे मातरम। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को मेरा आदर भरा, प्रेम भरा, आशीष भरा सादर प्रणाम। आज मैं संगीता सुनील बहुत दुखी मन से आपसे अपने दिल की एक बात कहना चाह रही हूँ। कल मैं टीवी पर जब समाचार देख रही थी, धारा 370 के बारे में सभी चैनल्स पर आ रहे थे समाचार, कि अचानक से एक संदेश आया कि हमारी भूतपूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण एम्स में दाखिल कर दिया गया और उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैंने उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करी, हे ईश्वर अभी तो हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं सुषमा जी को हमेशा विदेशों में चाहे उनके कुछ भाषण देती थी जब वो, और जहाँ भी वो सभाओं को संबोधित करती थी, तो बहुत ही मैं उनसे प्रभावित रही हूँ हमेशा। और एक ख़ास बात उनकी क्या थी, हर मनुष्य में ईश्वर कुछ न कुछ विलक्षण प्रतिभा जरूर सौंप कर तब उस मनुष्य को जीवन देता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। और उनके अंदर कुदरती क्या था कि एक तो सभी के दुखों को, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जब वो विदेश मंत्री थी वो ये ऐसा नहीं सोचती थी कि कोई बहुत बड़ा केस है, वो दुनिया के सामने आ गया है। अगर किसी ने उन्हें ट्वीट द्वारा अपना कुछ संदेश दे दिया तो वो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करती थी। और कितने केस उन्होंने, आप सभी को विदित है कि कुलजीत सिंह जी का केस, गीता का केस, और विदेशों में फंसे हुए कितने भारतीय, उन्हें कैसे उन्होंने बाहर निकाला। और आज कितने मंत्रियों को मैं देख रही हूँ कि जो रो रहे हैं कि हमें वो पूरा, हमें उन्होंने समझाया है कि संसद में कैसे क्या करना है, कैसे भाषण देने हैं, और हर चीज़ों के बारे में राजनीतिक उन्हें सूझबूझ जो है वो इतनी उनके अंदर थी कि उन्हें सबको उन्होंने सिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे कितने लोग सोचते हैं कि हम अगर हमारे हमें कुछ पता है तो हम किसी को बताए ना, नहीं। अब आज किस लिए वे सब देखिए कैसे रो रहे हैं, क्योंकि इंसान कहते हैं कि गुणों से पूजा जाता है ना। और भारतीय नारी की जीती जागती मिसाल थी वो, देखिए कैसे साड़ी पहने हुए जो हमारे एक है वेशभूषा भारतीय, और गले में मंगलसूत्र, बिंदी, और मांग में सिद्धूर, और बाकी मतलब इतनी बड़ी पदवी पे होते हुए भी हमेशा बहुत ही शालीनतापूर्ण उनका व्यवहार। और कभी मैंने उन्हें आग बबूला होते हुए नहीं देखा, कि ये उनकी बात मुझे बहुत पसंद थी। क्योंकि जब हम होते हैं ना कि पक्ष और विपक्ष, तो सिद्धांतों का मतभेद होता है, बात पक्ष विपक्ष की नहीं होती, बात होती सिद्धांतों की। तो अब कितनों को हम आज देखते हैं कि कितने आग बबूला और क्या क्या हो जाते हैं, मैं वो ज़्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाऊँगी, लेकिन उन्हें मैंने कभी नहीं देखा आग बबूला होते हुए। वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़े कटाक्ष के द्वारा ऐसे अपनी बात को कह जाती थी सरलता से, क्योंकि वो एक वकील भी थी और अपने घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला हुआ था उन्होंने। और कितने ऐसे हैं कि जो मतलब कहते हैं कि जो वो घर के अंदर उनके हम जाते थे तो एक अपनापन बहुत था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हमें उनके सिद्धांतों को अपने अंदर पूरा लागू करना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई मंत्री बने, हम कुछ ऐसा बड़ी पदवी पे जाएं तो ही हमारी देश के प्रति जिम्मेदारियाँ होंगी। और एक मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जितने भी भारतीय हैं, हम सबको ये आज ही शपथ ले लेनी चाहिए, जैसे सुषमा जी ने इस बार मंत्रिमंडल में अपना कोई, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो स्वास्थ्य थोड़ा उनका चल ही रहा था, थोड़ा ढीला, तो घर पर रहते हुए भी वे सभी गतिविधियों का पूर्ण रूप से ख्याल रखती थी। तो हम भी जैसे सोचते हैं कि अब हम रिटायर्ड हो गए तो अब हमारा कोई कर्तव्य है ही नहीं, तो नहीं, लेकिन हमें पूरा ध्यान देना चाहिए हम जिस जिस भी क्षेत्र में हैं, कि हम चाहे रिटायर्ड हो जाएं और ख्याल फिर भी रखें हम अपना, जिस तरह भी रख सकते हैं। जैसे अगर कोई शिक्षक है तो पढ़ा सकते हैं। और अब मैं देखती हूँ कितनों को, जैसे
मिलिट्री से होते हैं जो रिटायर्ड, वो कितना आते हैं समय समय पर दूरदर्शन में और ये सब चैनल्स में आप देखते होंगे। और सुषमा जी ने भी कल अपना प्रधानमंत्री जी को कहा था अपने ट्वीट द्वारा कि इसी की प्रतीक्षा थी उन्हें जब ये 1370 को हटाया गया। तो वाकई इंसान को ऐसा होना चाहिए कि रिटायर्ड होकर भी रिटायर्ड नहीं होना चाहिए कभी भी। कहते हैं ना कि शरीर को भी जब तक चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा, मन को जब तक चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा। शरीर से भले ही वो अस्वस्थ थे लेकिन जो उनके मन की, हृदय की, प्रधानमंत्री जी को कहा है उन्होंने, हार्दिक अभिनंदन आपका मैं करती हूँ, तो वो सब चल रहा था वैसे ही। वाकई अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी कि सुषमा जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जितने सिद्धांत हैं, जितने आदर्श हैं, उन सब को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और एक स्वस्थ भारत, एक ऐसा भारत जहाँ पे कोई दुखी, दरिद्र, किसी प्रकार का कोई इंसान दुखी ना हो, और तभी मैं फ़ख्र से कह सकूँगी और आप सब, हम सब कह सकेंगे कि मेरा भारत महान। जय हिंद।